लेकिन प्रोग्राम क्या लाइफ मामला है तो वो अदा करना भी जरूरी है। यहाँ पर हजरत बिलाल संस्था के प्रोग्राम और रफीक साहब इन्होंने जो प्रवक्ते यहाँ पर बुलाए वाकई में काबिल तारीफ यहाँ पर प्रवक्ते ने एक एक इंसान ने एक एक हीरे जैसी बात यहाँ पर कही। गनी मेमन साहब की बात लो चाहे फिर वो विजय कौर साहब की बात लो चाहे फिर अनिल डोंगरी सर की बात लो और शुभांगी तय पाटिल बोलो या शुभांगी तय दराड़े सर, सभी ने आप लोगों को बेहतरीन दिमाग से बेहतरीन बातों से बेहतरीन पॉइंट से नवाजा है। अल्लाह ऐसे प्रवक्ते ऐसे लोग हमारे समाज के अंदर बरकरार रहे और हमारे समाज के हम और आपको सबको इस तरह से मार्गदर्शन मिलते रहे और हमारी जिंदगियों के अंदर हमारी कामयाबी इन लोगों के मार्गदर्शन से कामयाबी हासिल करते रहे। मैं विजय कौर सर का भी शुक्र अदा करता हूँ, मैं शंभू पाटिल सर का भी शुक्र अदा करता हूँ, मैं गनी मेमन साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ, अनिल डोंगरे सर जो अभी चले गए हैं, शुभांगी ताई पाटिल सर, रफीक शेख सर और खलील सर और जहांगीर खान सईद सर और आप सब जो सामने बैठे हैं, आपने जो वक्त दिया है वक्त का इंतजार में आप काफी देर तक बैठे, आपने हजरत बिलाल के इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया, हम सब आपका शुक्र अदा करते हैं। रफीक सर के फैमिली की तरफ से पहलवान की तरफ से हम आपका तहदिल से शुक्र अदा करते हैं और ये प्रोग्राम यह पर खत्म होता है ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। नाम प्लेट लगाने का और सामने तो मैं नाम प्लेट पढ़ता था, मैं सब तो कमिश्नर है ये तो कलेक्टर है, तो आपको बताते थे बेटा ये उन लोगों में से है जो बोलते थे हम नहीं रहेंगे तो दुनिया का कैसा होगा, ये चले गए और दुनिया चल रही है। मैं अच्छा था समझ नहीं पाता था, जैसे बड़ा हुआ बातें समझता गया, हर चीज हर वक्त के लिए जरूरी होती है कि जितना मैं हूं मुझे कुरान ने जो दिया मैं उसका कितना प्रतिशत समाज के लिए अपनों के लिए अपने भाइयों के लिए अपने भाई बहनों के लिए कर सकता हूं, मुझे देना है अपना वक्त देना है। टीचर हूं इसलिए पढ़ाने का शौक है तो कुछ ना कुछ बोल के जाऊंगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जो हर बच्चे को पसंद आएगी हर बड़े को पसंद आएगी। जैसे शंभू पाटिल सर ने कहा और हमारा अक्षय बोलता था तो मुझसे भी कहा नहीं गया, मैं यार मुझे माइक मिला तो एक तो शेर तो मैं भी बोले लूंगा सर कि देश में अमन की हवा बह रही है क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव आजादी का, देश में अमन की हवा बह रही है उसे बहने दो, दंगाइयों से कहो अब रहने दो, मुझे लाल हरे नीले रंग में मत बांटो, मेरे सर पर तिरंगा रहने दो।